जयपुर में पटाखों की चिंगारी के कारण 6 महीने पहले खरीदी कार जल गई। कार का सिक्योरिटी अलार्म बजने पर आसपास के लोग घर से बाहर निकले तो पता चला कि आग लग गई। कार मालिक को आग के बारे में बताया, इसके बाद कार पर पानी डालकर आग को बुझाया गया। घटना शिप्रापा थाना इलाके की SFS कॉलोनी की है। कार मालिक सुरेंद्र ने बताया कि 6 माह पहले ही क्रेटा कार खरीदी थी। कार को दीपावली के दिन साफ कर घर के बाहर खड़ा किया हुआ था। कार पर धूल न लग जाए इसे लेकर कार को कवर से ढका हुआ था। संभावना है कि 31 अक्टूबर और 1 नवंबर की दरमियानी रात करीब 3:30 बजे कार के कवर पर पटाखे और रॉकेट की चिंगारी गिरी। इससे कवर ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते कार आग की चपेट में आ गई। कार कवर के कारण चारों तरफ से जलने गई। इससे हीट पैदा हुई। सबसे पहले कार का एक शीशा टूटा। शीशा टूटने पर सिक्योरिटी अलार्म बजने पर इससे पड़ोसी कार के अलार्म को सुनकर बाहर आए। आग लगी हुई देखकर उन्होंने शोर किया, दमकल को जानकारी दी। हमें कार में आग लगने की जानकारी मिली तो पानी डालकर बुझाने का प्रयास किया। कार का पीछे का पूरा हिस्सा और प्लास्टिक जल गया। इससे कार में भारी नुकसान हुआ है। अलार्म नहीं बजता तो पूरी कार राख हो जाती। स्थानीय निवासी राजेश ने बताया, शीशा फूटने से कार का अलार्म बजा। अगर शीशा नहीं फूटा होता तो अलार्म नहीं बजता। इससे कार में आग की जानकारी किसी को नहीं लगती। कार पूरी तरह से जल जाती। अभी तक केवल चिंगारी से आग लगने की ही जानकारी सामने आई है।